भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए हुए। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि वह केदारनाथ में है। पंत ने अपनी स्टोरी के जरिए एक तस्वीर साझा की है जिसमें वह केदारनाथ मंदिर के सामने दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत पिछले करीब एक साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे। पिछले साल कार चलाते हुए उनका एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद से वो अभी तक क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए। शुरुआत में पंत का ठीक होना काफी मुश्किल कहा जा रहा था लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्हें लगातार ठीक होते हुए देखा गया है। पंत अपनी फिटनेस पर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके साथ काम कर रही है और उम्मीद है कि अब कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे। ऋषभ पंत ने इस दौरान काफी कुछ मिस किया है। वह अपनी इस भयानक चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई घरेलू टेस्ट सीरीज, आईपीएल 2023, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच, एशिया कप और अब वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भी नहीं खेल पाए। भारतीय टीम ने भी पंत को काफी मिस किया है क्योंकि वह विकेटकीपर होने के साथ साथ बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज भी हैं जो मध्यक्रम में टीम इंडिया को काफी अच्छा बैलेंस प्रदान करते हैं। ऋषभ पंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी फिटनेस के अपडेट देते रहते हैं जिनसे उनके बारे में पक्की जानकारी मिलती रहती है। ऐसे में उम्मीद है कि वह काफी जल्द पूरी तरह से फिट होकर टीम इंडिया में वापसी करेंगे और एक बार फिर अपने प्रदर्शन से भारत को जीत दिलाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स और वर्ल्ड कप जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।